स्वास्थ्य सिर्फ एक शारीरिक घटना नहीं है, ये उसके कई आयामों में से एक है और सबसे सतही आयामों में से एक है, क्योंकि मूल रूप से शरीर तो मरने वाला है, स्वस्थ हो या अस्वस्थ ये क्षणिक है। अस्थि स्वास्थ्य तुम्हारे अंदर कहीं होना चाहिए, तुम्हारी चेतना में, क्योंकि चेतना का कोई जन्म नहीं होता, कोई मृत्यु नहीं होती, ये शाश्वत है। और चेतना में स्वस्थ होने का मतलब है पहला जागरूक होना, दूसरा सामंजस्यपूर्ण होना, तीसरा आनंदित होना और चौथा करुणामय होना। अगर ये चार चीजें पूरी होती हैं तो व्यक्ति अंदर से स्वस्थ होता है और साधक इन चारों चीजों को पूरा कर सकता है। ये तुम्हें अधिक जागरूक बना सकता है, क्योंकि सभी ध्यान तकनीकें तुम्हें दार्शनिक नींद से जगाने के तरीके हैं। नाचना, गाना और आनंदित होना तुम्हें अधिक सामंजस्यपूर्ण बना सकता है। एक क्षण आता है जब नर्तक गायब हो जाता है और केवल नृत्य रह जाता है। उस दुर्लभ स्थान में एक व्यक्ति सामंजस्य महसूस करता है। जब गायक पूरी तरह से भूल जाता है और केवल गीत रह जाता है, जब मैं के रूप में कोई केंद्र काम नहीं कर रहा होता, मैं पूरी तरह से अनुपस्थित होता है और तुम प्रवाह में होते हो, वह प्रवाहित चेतना सामंजस्यपूर्ण होती है। जागृत और सामंजस्यपूर्ण होना आनंद की संभावना पैदा करता है। आनंद का मतलब है परम खुशी, जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जब कोई व्यक्ति आनंद को प्राप्त करता है, जब वह परम खुशी के शिखर को जान लेता है, तो करुणा एक परिणाम के रूप में आती है। जब तुम्हारे पास वह खुशी होती है तो तुम उसे बांटना चाहते, इसे बांटना अनिवार्य हो जाता है, ये अपने आप होने लगता है। ये चार आंतरिक स्वास्थ्य के चार स्तंभ है, इसे प्राप्त करो, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमें बस इसे दावा करना है। प्रणाम।